मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के निजीकरण विरोध एवं विभिन्न मांगों को लेकर कार्यपालन यंत्री को मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों को प्रस्तावित विद्युत सुधार अधिनियम अंतर्गत निजीकरण करने वाली है, जिसे विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों व जनता का नुकसान होगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। वही विद्युत मंडल परिसर में जिले के विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ के बैनर तले निजीकरण के विरोध एवं संविदा कर्मियों के नियमितीकरण आउटसोर्स कर्मचारियों के विद्युत विभाग में सिविलियन बिजली कर्मचारियों को केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर कार्यपालन यंत्री के एस मालवीय को मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं मांगों के न माने जाने पर 7 अगस्त को प्रदेश स्तर पर कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। वहीं 13 अगस्त को अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। के एस मालवीय, कार्यपालन यंत्री, आज किस बात को लेकर ज्ञापन दिया? केंद्र सरकार द्वारा विद्युत सुधार अधिनियम जो लागू करने जा रही है उसके विरोध में कर्मचारी संगठनों ने मतलब ये ज्ञापन दिया गया। हाँ, ये सरकार तक ये इनकी मांगों को हम पहुंचाने की कार्रवाई करेंगे। मेरा मोहम्मद सादिक शेख, मैं यहाँ पर यूनियन का संयुक्त महामंत्री मध्य प्रदेश का। केंद्र सरकार द्वारा जो विद्युत विधेयक सुधार विधेयक लाया जा रहा है संसद में, और उससे चलते जितनी भी देश में विद्युत कंपनियां हैं उनको निजी हाथों में सौंपा जाएगा, उसके विरोध में आज 5:48 पर हमने अधीक्षण यंत्री महोदय के माध्यम से जैसा हमारा प्रोग्राम है उसके अनुसार हमें ज्ञापन सौंपा है। प्रमुख मांगे ये हमारी निजीकरण रोका जाए। निजीकरण जो है किसी के हित में नहीं है, न कर्मचारी के हित में है, न जनता के हित में है। इसमें सारा सभी का नुकसान होना है, इसलिए सबसे प्रमुख मांग हमारी है कि उसको निजीकरण रोका जाए। दूसरी प्रमुख मांग ये है कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनके बल पर यदि मध्यम विद्युत मंडल चल रहा है तो उनको नियमित संविलियन किया जाए बिजली बोर्ड में, और जो संविदा कर्मचारी हैं संविदा जो पोस्ट हैं उनको भी नियमित किया जाए। ये आज की हमारी प्रमुख मांग है। संसद में अगर बिल पारित हो तो क्या करोगे? हमारे जो यूनियन का प्रोग्राम जो दे रखा है उसमें 7 अगस्त को जो है एक दिन के कार्य का बहिष्कार करेंगे पूरे जिले में सभी कर्मचारी, और उसके पश्चात 13 तारीख से जो है अनिश्चितकाल के लिए जो है वो कार्य का बहिष्कार किया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।